मैं आज आप लोगों को फलों का राजा बताने जा रही हूँ। तो गर्मी के जो फल हैं अपने, जैसे अंगूर है, ये संतरे का मैंने पल्प निकाल के रखा, संतरे को छील कर मैंने रखा हुआ है, इसके बीज जो बताकर, केला मैंने काट के रखा हुआ है, और दही है छना हुआ, गाढ़ा गाढ़ा दही है, इसको अपन इसके इससे अपन रायता बनाएंगे। इसमें डालने के लिए है सादा नमक, काला नमक, काली मिर्च पिसी हुई, और जीरा सिका हुआ पिसा हुआ, और साथ में है थोड़ा शहद मीठे के लिए, और शुगर। अगर अपने को शुगर नहीं डालना है तो शहद से भी इसमें काफ़ी मिठास आ जाएगी, और सजाने के लिए हरे धनिए की पत्तियाँ। अब हम सबसे पहले अब एक बाउल लेंगे, एक बाउल में अपन मैंने जो धुले हुए अंगूर रखे हुए थे वो मिलाए हैं। अंगूर डालकर मैं उसमें थोड़ा दही की परत डालूंगी, फिर मैं इस पर संतरा डालूंगी। ये संतरा ऐसा मैंने छील के रखा हुआ है, करीब 6 स्लाइस संतरे की हैं। ये 2 लोगों के लिए पर्याप्त रहता है, 10 से 12-15 अंगूर करीब, 6 स्लाइस संतरे की, और 1 केला कटा हुआ। अभी इसके ऊपर फिर मैं दही की परत जमाऊंगी। दही डालने के बाद फिर मैंने केले इसके ऊपर डाले हैं, बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगता है ये, साथ में फल भी खाने में आ जाते हैं और दही भी। ऐसे अलग अलग खाने में बच्चे पसंद नहीं करते हैं कभी कभी, और पौष्टिक भी रहता है। पर फिर मैं डालूंगी थोड़ा सादा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा काला नमक, सिका हुआ जीरा। सिका हुआ जीरा जो हमने पीस के रखा हुआ है, जो गर्मी में बहुत ही फायदेमंद रहता है। यदि आपका दही खट्टा है तो आप उसमें थोड़ी शुगर भी डाल सकते हैं या शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें खड़ी शुगर डाल रही हूँ थोड़ी। चाहे तो आप इसको मिला लें, वो चाहे तो ऐसे ही एक साइड से उठा करके अपन। अब ये अखबार है, ये तो दिखाने के लिए इस पर शहद डालकर उसे गार्निश करेंगे। टेस्ट को भी बढ़ाता है शहद, और मिठास भी लेकर आता है। इसमें से हरे धनिया की पत्तियाँ लगा के अब ये हमारा रायता खाने के लिए तैयार है। ये है फ्रूट रायता।